भैया बहनी राम राम राम। मेरा नाम बुनेला देवी, विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गया है, तो आप लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। आप सब हमें सपोर्ट दिया, हम इतना खुश हूँ कि आप लोग सपोर्ट देंगे तभी हम आगे जाएंगे। तो हम इतना खुश हूँ, आप लोगों को हम बढ़िया बढ़िया रेसिपी बना के बताती रहूँगी। तो चलते हैं हम खेत में। तो हम पहुंच चुके हैं चौराई के खेत में, तो आज हम इसी की रेसिपी बनाऊंगी। तो बहुत हरी भरी चौराई के खेत है, आप देख सकते हैं। तो हम एक दर ही बैठकर सब्जियां तोड़ लेती हूं। तो जो नरम सब्जी है वही हम तोड़ूंगी। तो दोस्तों, जो हरी भरी सब्जियां हैं चौराई, तो वही चौराई हम लेंगे। तो दोस्तों, ये सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, तो वही सब्जी हम आज वही रेसिपी बना के बताऊंगी। तो रख लेते हैं डलई में। तो यही तरीके से हम सारी जो चौराई के नरम नरम डंठल है तो वही हम लेंगे। तो बहुत अच्छिया चौराई की खेती है, इसमें कीड़ा नहीं लगे हैं। तोड़ने में बहुत नरम टूटता है, मुलायम भी है, अभी कड़ा डंठल नहीं हुआ है। तो हमने चौराई रुतभर ले लिया है, अब चलूंगी घर। जो चौराई से ऊपर से खोटा जाता है तो दोबारा इसमें से कल्ला निकलता है, तो वो भी दोबारा भी खोट के ऐसे बनता है, तो जड़ से इसको नहीं उखाड़ा जाता है। तो देखो, इसमें दोबारा हसिया से काटा गया है, तो इसमें नरम नरम अच्छा अच्छा कल्ला निकलेगा, तो वही की रेसिपी फिर दोबारा बनेगी। तो हमने जरूरत भर सब्जियाँ ले लिए हैं चौराई, तो चलते हैं अब घर। हम चौराई लेके पहुंच गए हैं चूल्हे के पास, तो इसको धुलूंगी, उसके बाद काटूंगी। पहले दूसरे बर्तन में पानी निकाल लेती हूँ। चौराई के हमने पत्तियाँ अच्छे से धो के साफ कर लेती हूँ। पत्ती खराब नहीं है, सभी पत्तियाँ अच्छी हैं। ऐसे में रख चौराई हमने तीन पानी से धो के साफ कर लिया है, उसके बाद इसको काटूंगी। तो चौराई हमने हाथ से फलिया लिया है, तो इसको चाकू से सहारे काटूंगी थाली में। चौराई बनाने के लिए सामग्री हम का लिया है तो हम बता देती हूँ। इसमें क्योंकि ज़्यादा सामग्री नहीं पड़ता और सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है, तो इसमें मसाला कोई गर्म वरम नहीं पड़ता है, तो भी और भी लाभदायक शरीर सेहत के लिए होता है। चौराई की सब्जी खाने से जो आराम कमी होता है वो भी दूर हो जाता है। तो चौराई के सब्जी बनाने के लिए हम सामग्री में का लिया है तो हम बता देती हूँ। हमने लिया है 4 पीस मरचा लिया है, लहसुन की कलियाँ लिया है, तो लहसुन कलियाँ कुछ मात्रा में ज़्यादा लिया है क्योंकि आग जला लिया है। अब रखूंगी इस पे कराही। कराही हमारी गरम हो गई है, डालूंगी सरसों का तेल। और हमारा सरसों का तेल गरम हो रहा है, तब तक हमें हर मिर्चा के काट लेती हूँ।
सरसों का तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें डालूंगी लहसुन। पकाऊंगी तो हमारा लहसुन ब्राउन कलर का हो गया है, जिसमें डालूंगी चवराई। थोड़ा थोड़ा मिलाते रहूंगी और बाल बाल में डालती रहूंगी। इसको हम साफ थाली से ढक देती हूँ, 5 मिनट पक लिए, उसके बाद इसको भर कर ढक्कन रखूँगी नीचे। वैसे हम चला देती हूँ ताकि हर साइड लग जाए। इसको हम फिर ढकूँगी, उसके बाद इसको नमक डालेंगे। तो मैम स्वाद अनुसार हमने नमक डाल देती हूँ चौराई के सब्जी में, तो इसमें पानी नहीं नाया जाता है। अपने हरियाली से सब्जियां चूर के तैयार हो जाती है। इसको हम चला देती हूँ, आपके धीमी आंच में पकाना है। तो बहुत अच्छी चौराई की सब्जियां बनके तैयार होगी। बरसात के मौसम में बहुत आसानी से पाई जाती है, तब आप तो अपने घर पे जरूर बनाइए। इसको 5 मिनट तक और पकाऊंगी, ढक देती हूँ। बहुत अच्छी हमारी सब्जी में से खुशबू भी आ रहा है। तो दोस्तों हमारी चौराई सब्जी बनके तैयार है। तो आप रोटी से खा सकते हैं, चावल से खा सकते हैं, पराठा से भी खा सकते हैं, टिफिन में भी ले जा सकते हैं। तो हमारी चौराई बनके सब्जी तैयार है। तो दोस्तों हमारा अगर चौराई की सब्जी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप सब खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, तब तक के लिए राम राम।